फतेहपुर में लूट मुकदमे का 24 घंटे में सफल अनावरण व बरामदगी दौरान एक मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा व एक कारतूस, 315 बोर व एक तमंचा देसी व एक जिंदा कारतूस, 12 बोर व लूट में गए 18,53,000 रुपए व जमा तलाशी में 4 एंड्रॉइड मोबाइल फोन सहित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी किया। 572/22 धारा, 392/120B, 411 भादवी का खुलासा किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त की रात फ्लिपकार्ट ऑफिस फतेहपुर में रात के दौरान तमंचे के बल पर लूट करते हुए लाखों रुपए लेकर पार कर दिया था, जिसमें 17 अगस्त 2022 को प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा अपने हमराही गढ़ों के साथ भ्रमण में थे, तभी स्वाट टीम प्रथम सर्विलांस टीम में क्रमशः SOG प्रथम प्रभारी उप निरीक्षक विमोद कुमार मिश्रा, मैं हमराहीगढ़ व SOG प्रभारी उप निरीक्षक विंध्यवासिनी तिवारी, मैं हमराहीगढ़ तथा सर्विलांस प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव, मैं हमराहीगढ़ के साथ एकत्र होकर एक साथ संयुक्त टीम के साथ बुलेट चौराहे में एक घटना के बारे में खुलासा करते हुए चर्चा कर रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर एक अपाची मोटरसाइकिल में 3 युवक सवार आ रहे थे, जिन्हें पीछे बैठा एक युवक पिट्ठू बैग लादे था। पुलिस को देखते ही बाइक सवार फतेहपुर सदर के नौवा बाग रोड से भागने लगे। पुलिस टीम पीछा करते हुए अग्रसेन चौराहे से 20 मीटर की दूरी पर उन्हें घेर कर पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में एक ने अपना नाम विकास सिंह, पुत्र रामकरण सिंह, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम कोराई थाना मलवा जनपद फतेहपुर बताया, जिसके पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में नगद रुपयों की गड्डियां मिली। जिसके बारे में पूछा गया तो बताया कि दिनांक 15 तारीख 8वां महीना 2022 की रात फ्लिपकार्ट की ऑफिस में जो लूट हुई थी उसमें मिला हुआ मेरे हिस्से का पैसा है। मेरा व मेरा एक साथी है जिसका नाम अभिषेक है, जो रेहुटिया करवी जनपद चित्रकूट से है, जिसको हम लोगों ने 28,000 रुपये देकर जरूरी काम से करवी भेज दिया था। पुलिस ने और कड़ाई से विकास सिंह से पूछताछ किया तो उसने बताया कि मैं फ्लिपकार्ट ऑफिस पर कैशियर पद पर नौकरी करता हूं और 15 अगस्त को छुट्टी पर था। पहले से बनाई हुई साथियों संग रणनीति के तहत 15 अगस्त की शाम छुट्टियां कैंसिल कराकर वापस हुआ और काम पर लग गया। पूर्व तैयारी के तहत वारदात को अंजाम देने वाले साथियों में से एक सचिन ने रात्रि 9:45 को फ्लिपकार्ट ऑफिस में घुसकर तमंचे के बट पर सुनियोजित तरीके से अनुज और राजकुमार सहित विकास सिंह से छुट्टी के दौरान हुई एकत्रित रकम 18,81,000 लगभग लेकर अपाचे बाइक से निकल गए थे। लूटे हुए बंटवारे में 4,63,200 रुपए हिस्से में मिले थे। उस वक्त अपराधियों में सचिन सिंह और अभिषेक सिंह चित्रकूट कौसाम्बी के निवासी हैं। लूट की वारदात का खुलासे के दौरान पुलिस महानिरीक्षक मंडल एवं पुलिस अधीक्षक फतेहपुर ने बताया कि फ्लिपकार्ट ऑफिस में 15 अगस्त की लूट की वारदात में वहीं पर नियुक्त कैशियर विकास सिंह सहित उसके अन्य साथियों ने लूट की योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस SOG तथा सर्विलांस की संयुक्त टीम ने पूरे दिल्ली जाकर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए लूट में गए रुपयों को बरामद करने के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं एक फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस महानिदेशक के द्वारा संयुक्त टीम को 50,000 का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। गिरफ्तार युवकों को सुसंगत धाराओं के तहत जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।